सबसे पहले बकरीद की बहुत सारी शुभकामनाएं मैं सबको देता हूं। सीतामढ़ी में बकरीद के अवसर पे हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी और तैयारी कर रखी है। 228 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। 86 वैसे जगह है जहां पे सेंसिटिव पॉइंट है, वहां पे हम लोगों का चलंत यानी कि मोबाइल फोर्स काम करेगी। सभी प्रशासन के लोग रोड पे होंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ होंगे। जैसा कि सबको पता है कि बकरीद के साथ अंतिम सोमवारी का भी पर्व मनाया जा रहा है, ऐसे में हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय से मैं यह अपील करता हूं कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बनाए रखें। दोनों समुदाय आपस में मिलजुल कर पर्व के उत्साह को बनाए रखें। बकरी चूँकि कुर्बानियों का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है, कुर्बानी का मतलब यह होता है कि हम गरीबों को सेवा दे सकें, जो जिनकी ज़रूरत है उनको सहायता किसी भी रूप में दे सकते हैं, जैसे उनको गिफ्ट दिया जा सकता है, बड़े पैमाने पर हम लोग अपना अगर कोई भी ज़रूरतमंद है उनको धनराशि दे सकते हैं। किसी भी तरह से जो कुर्बानी हम अगर देते हैं, यानी अगर हम अपने समय का भी सेक्रीफाइस करते हैं किसी की सेवा के लिए, तो वह कुर्बानी है। इस कुर्बानी के अवसर पे मैं लोगों से अपील करूंगा कि निश्चित रूप से जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी हम लोग मदद करें। और वैसे उपद्रवी तत्व जो इंटरनेट के जो जुड़े हुए सोशल साइट्स हैं जिसके माध्यम से वो किसी तरह की भी ऐसी हरकतें करेंगे, तो हमारी पूरी नज़र जो है हर व्यक्ति के व्हाट्सअप फेसबुक जैसे अकाउंट्स पे भी है। किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने वाले को साइबर सेल के माध्यम से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील करता हूँ कि अफवाह से बचे, क्योंकि कई बार पुराने पोस्ट या दूसरे देशों के वैसे पोस्ट के माध्यम से लोग एक दूसरे को उत्तेजित करने की कोशिश भी कर सकते हैं। साथ ही वैसी कोई भी चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले जो है जिला प्रशासन को तुरंत बताएं कि कोई भी इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश अगर कर रहा है तो हमें तुरंत सूचित करें, ताकि हम लोग इस पर कड़ी कार्रवाई कर सकें। चूँकि हमारी सीतामढ़ी की अपनी आन बान शान जो है वो बनी रहे, युवाओं से खास तौर पर अपील है कि वो पर्व त्यौहार को बहुत अच्छे से काफ़ी उत्साहपूर्वक तो मनाए ही, लेकिन यह ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को इससे भावना को आहत नहीं हो, इसका खास तौर पे ध्यान रखें। लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ पर्व त्यौहार को मनाएं, और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों का त्यौहार एक साथ आया है, तो दोनों ही धर्मों के बीच जो है एक समन्वय भाईचारा बनाने का एक अवसर भी है। इस अवसर पर हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बनाए रखें। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।